रिजवान या शादाब, कौन होगा पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में नया कैप्टन? जी हाँ, पाकिस्तान का PSL, वो PSL जिसमें कि कई सारी चीजें हुई। कई सारी चीजों से मेरा मतलब है कि एक पाकिस्तान का कैप्टन जिसको PSL के दम पर कप्तानी दी गई थी, उसने जो परफॉर्म किया ना, वो काबिले तारीफ था। भाई मैं बात कर रहा हूं शाहिन अफरीदी की T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। वैसे तो आप बात शान मसूद की भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त टेस्ट के कैप्टन बने तो पूरा फर्ज निभाया। पूरे PSL में उन्होंने टेस्ट की पारी खेली, जितनी भी खेली पूरे PSL में सिर्फ इस लड़के ने एक छक्का लगाया है पूरे PSL में, शान मसूद ने। तो इस बेस पे उनको टेस्ट का कैप्टन बरकरार रहने दिया जाएगा। बात होगी T20 कैप्टन की। शाहिन अफरीदी लाहौर कलंदर, कुदरत के निजाम के भरोसे पहला पॉइंट मिलता है, पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच जीतते हैं, और ऐसा नहीं कि लड़के कटके मरे हों, एक तरफा हारे। वो शेर तरह के गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। तो ये वो तिफल थे जो घुटनों के बल चले पूरे सीजन में। दूसरी तरफ शदाब है जो कि PSL के इतिहास के पहले कैप्टन बने जो कि 3-3 ट्रॉफी अपने पास लेकर बैठे हैं। दूसरी तरफ रिजवान है जो लगातार चौथी बार अपनी टीम को मुल्तान सुल्तान को फाइनल खिलाते हैं। 2021 का जीते, फिर 22 का लाहौर से हारे, 23 का लाहौर से हारे एक रन से, जो 22 वाला हारे थे मेरे ख्याल से 42 रन से हारे थे। और जब ये दो बैक टू बैक जीते तो इसके बाद क्या होता है, शाहिन अफरीदी को कैप्टन बना दिया जाता है। अब जब शाहिन अफरीदी कैप्टन बने तो फिर पहला असाइनमेंट क्या मिला, पहला असाइनमेंट मिला न्यूजीलैंड का T20 दौरा। 5 मैच की सीरीज से रिकॉर्ड बनाया। ये पहली बार था जब पाकिस्तान किसी सीरीज में लगातार 3 मैच हारी हो, और पहले 3 मैच हारने का मतलब था कि आप सीरीज हार गए। और पाकिस्तान की टीम ने वहां दम नहीं लिया, वो 5 मैच की सीरीज 4-1 से हार कर आए। शाहिन अफरीदी खुद बहुत महंगे साबित हुए, कहीं पे 11 की इकॉनमी, 10 की इकॉनमी, 12 की इकॉनमी गई। कैप्टन वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सबसे आगे हम पिटेंगे, उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। तो उसके बाद सबने कहा कि चलिए ठीक है, PSL के दम पे कप्तानी मिली थी, पहला टूर था, काफी टफ था, पहली बार ऐसा होता है, आप नए नए कैप्टन बने हैं, टीम को बनाने वक्त लगता है। तो जो टीम आपने पहले से बना रखी थी उसमें आ गए, पहला मैच हारे, दूसरा हारे, तीसरा हारे, चौथा हारे, पांचवा हारे। फिर एक मैच में बारिश होती है पेशावर जालमी के अगेंस्ट, वो मैच ड्रॉ होता है, तब जाके पहला पॉइंट मिलता है। दूसरी तरफ फिर आप जब हार जाते हो तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि यार शदाब ने अपनी टूर्नामेंट में अपनी टीम का जिस तरीके से लीड किया, जिस तरीके से अपनी टीम का मोराल हाई करके रखा, आप आजम खान से बात कीजिए, आप हैदर अली से बात कीजिए, आप किसी से बात कीजिए, इमाद वसीम से बात कीजिए, हर कोई कहता है कि यार कैप्टन ने बड़ा भरोसा दिखाया है, यार कैप्टन बड़ा बैक करता है, यार कैप्टन को पता होता है कि मैं कर दूंगा। दूसरी तरफ आप रिजवान को देखिए, आप उस्मान खान से बात कीजिए, आप यासिर खान से बात कीजिए, आप किससे बात कीजिए, बात करेंगे आपको सिर्फ एक ही चीज नजर, आप उमर बिन यूसुफ से बात कीजिए। मतलब आप जब किसी भी टीम के खिलाड़ी से बात करें, यार कैप्टन को भरोसा था, उसको पता था ये हो जाएगा यहां से। आप जब रिजवान को देखेंगे काफी एक्टिव नजर आते हैं, आप जब शदाब को देखेंगे काफी एक्टिव नजर आते हैं, और बहुत ज्यादा एनिमेटेड भी है दोनों के दोनों, प्लस रिजल्ट इनके पास है। वहीं लाहौर हैं जो पहली बार पहली टीम बने थे PSL 9 के एलिमिनेट होने वाले, तो दूसरी तरफ शदाब चैंपियन बने, इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बनी, मुल्तान सुल्तान रनर अप बने, रिजवान रनर अप बने, 4-4 बार अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। ऐसे में क्या शाहिन अफरीदी पर रिस्क लेंगे? देखो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो शदाब का कैप्टन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे, बट रिजवान वाइस कैप्टन है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी गई है, जिस PSL के भरोसे पाकिस्तान के अंदर कैप्टनसी दी गई थी, तो क्या उसी PSL के भरोसे कैप्टनसी ले ली जाएगी और उसी PSL के भरोसे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नया कैप्टन मिलेगा, या फिर पाकिस्तान एक बार फिर से शाहिन अफरीदी के अंडर T20 वर्ल्ड कप खेलती हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।